नमस्कार, महाराष्ट्र राज्य पेश कर रहे हैं लोकनाट्य लोकनाट्य लोकनाट्य। लोकनाट्य का नाम लेते ही महाराष्ट्र की पहचान होती है और महाराष्ट्र का नाम लेते ही लावणी की पहचान ही हुई समझो। आज के भागदौड़ के जमाने में मनोरंजन मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। बिल्कुल प्राचीन काल से यह कला मनुष्य ने हासिल की है। इस कला में तमाशा अर्थात लोकनाट्य एक प्रसिद्ध कला के रूप में पहचानी जाती हैं। इन कलाओं में गोंधली, बहुरूपी, वासुदेव, देवताओं के नामों की शुरुआत, कृष्ण लीला, जवानों का जोश, मराठी हिंदी गीत श्रोताओं को हास्य के रूप में अपनी कला दिखाता है। वह है सोंगाड़िया। समाज के वास्तव स्थिति का दर्शन कराता है वगनाट्य। वगनाट्य पेश करने के बाद कार्यक्रम का समापन किया जाता है। लोकनाट्य द्वारा लोगों को जिसकी जरूरत है वह देना चाहिए, है वह स्थिति में और जो हैं वह पोशाक में विद्यार्थी लोकनाट्य पेश करने जा रहे हैं। लोकनाट्य में काम करने वाले सभी कलाकारों ने संस्कृति और सांस्कृति जो हमें विरासत से मिली हैं उसे जतन करने का प्रयास किया है। लावणी लोकनाट्य का आत्मा के रूप में पहचानी जाती हैं। ढोलकी पर हाथ रखते ही लोगों का दिल प्रसन्न होने लगता है। आज मनोरंजन के इतने साधन उपलब्ध होने पर भी देहाती श्रोता तमाशा के प्रेम से बाहर स्टार्ट निकल रहे हैं। एक मिनट, तमाशा कलावंत निघून गेले ते राहिले नाहीत। आता सगळे आधुनिक पद्धतीने झाले, सगळं डिस्को जमाना आला सगळा। या डिस्को जमान्याने जो खरा तमाशा तो खूप पावला। आम्हीच पूर्वी तमाशा कसा करत होतो, आता कशी करायची पाळी आली आमचं आम्हाला आवडत नाही। पण आता काय फोटोसाठी शूटिंग करावं, फोटोसाठी करणं देत नाही। जुनी कला सगळे लोक पाहून यार कृष्ण झाला नाही, त्यामुळे आता काय मजा नाही राहिली। असे कला कधीपासून चालू आहे, कधीपासून चालू आहे कला लावणी के बाद छात्राओं ने भाग लिया है। इसमें आपको स्त्री पुरुष समानता दिखाई देगी। हमारा मान सम्मान दूर करके मान अपमान भूल कर श्रोताओं से होने वाली तकलीफ और निंदा सहन करके कलाकारों ने कला जीवित रखने का अच्छा काम किया है। इस कला की जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव गांव घूमना पड़ा। धूप बारिश आंधी इसकी परवाह न करते हुए, अपने घर परिवार के बारे में न सोचते हुए पेट के लिए इस कला की विरासत शुरू रखी है। इन सभी कलाओं की तैयारी करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। 21वें शतक को आधुनिक तंत्रज्ञान का शतक कहा जाता है। इस आधुनिक तंत्रज्ञान में लोग पूरी तरह से फंस गए हैं और प्राचीन कला संस्कृति को हम भूल रहे हैं। आज के जमाने के लोगों को प्राचीन कला से परिचय होना बहुत जरूरी हो गया है, जो इतिहास का मौखिक साधन माना जाता है। यह कला हमेशा के लिए टिकी रहनी चाहिए और पाठशालाओं के स्तर पर छात्रों के छुपे गुणों को प्रोत्साहित करने के लिए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा कला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस कला में कस्तूरबा माध्यमिक विद्यालय चोपड़ा पेश कर रहे हैं लोकनाट्य। इस लोकनाट्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोकनाट्य पेश करने वाले कलाकार शालिक शांताराम तमाशा मंडल, भिका भीमा तमाशा मंडल, हरिभाव बड़े तमाशा मंडल और उनके कलाकारों को मिलकर उनके दैनिक जीवन और उनकी कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। कला के लिए वेशभूषा की जानकारी प्राप्त की। हमारी पाठशाला के प्रधानाचार्य श्रीमान आर डी साठे सर, इन्होंने हमें लोकनाट्य के लिए सामग्री और जानकारी उपलब्ध कर दी। इस लोकनाट्य के लिए पुस्तकालय, अलग अलग प्रकार के पुस्तक, अलग अलग प्रकार के मासिक, अलग अलग अखबार, इंटरनेट, यूट्यूब, इनकी सहायता से जानकारी प्राप्त की। पाठशाला के अध्यापक श्री एन आर पाटिल सर, इन्होंने इस लोकनाट्य का दिग्दर्शन किया है। लोकनाट्य की वेशभूषा के लिए श्रीमती आर पी शाह, इन्होंने सहायता की है। जहाँ जहाँ जानकारी मिले वहाँ वहाँ जाकर छात्रों ने तालीम की। इस लोकनाट्य के लिए संगीत साहित्य, प्रॉपर्टी, वेशभूषा, नर्तकी सामग्री, घुंघरू, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध साड़ी फेटा, नटराज की मूर्ति आदि सामग्री उपलब्ध की। इसलिए हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस लोकनाट्य को प्रस्तुत करने का मौका दिया और हमारी पाठशाला के प्रधानाचार्य श्रीमान आर डी साठे सर, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छात्रों को इस लोकनाट्य में भाग लेने के लिए मौका दिया। अब पेश करने जा रहे हैं महाराष्ट्रीयन लोकनाट्य। धन्यवाद।